उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपको वहाँ की रोड्स की क्वालिटी और हाईवेज की क्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा, और अगर आप दूसरे राज्य में रहते हो तब अगर आप बाई कार उत्तर प्रदेश में एंटर करोगे तब एंटर करने के साथ ही आपको एक डेवलपमेंट और ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फीलिंग आने लगती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे एक अजीब बात ये लगती है कि नोएडा, जिसमें वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, जो कि रात में एकदम अमेरिका वाली फीलिंग देती है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गांव जहां पे कहीं कहीं डेवलपमेंट नहीं है वो भी यूपी ही है। नोएडा भी यूपी है और ये भी यूपी है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज मौजूद हैं। रोड्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सर्विस रोड, जो कि आप नॉर्मल रोड देखते हो, जो कि हर घर के बाद जो रोड होता है, या फिर हाईवे को छोड़ के हर रोड जो कि आप देखते हो शहर में। दूसरे नंबर पे आता है हाईवे, जिसे NH के बाद एक डिजिट से डिनोट किया जाता है, जैसे NH19, NH16। और जो सबसे हाईएस्ट क्लास के रोड्स होते हैं उन्हें एक्सप्रेसवेज कहा जाता है। हाईवेज में आपको रोड के बगल में ही शॉप्स और मार्केट्स देखने मिल जाते हैं, बट एक्सप्रेसवे एक पोर्टल की तरह होता है जिसमें आप एक बार प्रवेश कर गए तब आपको कोई शहर वहर नहीं दिखने वाला, दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, और आप आराम से 100 की स्पीड पे अपने गाड़ी को क्रूज कर सकते हो। दिल्ली नोएडा टू आगरा, नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, और ये करीब 165 किलोमीटर लंबा है। आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और ये 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। और तीसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि रिसेंटली नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसपे मोदी जी का प्लेन लैंड किया था एक्सप्रेसवे पे और उसके बाद इनॉग्रेशन हुआ था। जी हाँ, एक्सप्रेसवे के बीच में प्लेन लैंडिंग का भी जगह होता है, ताकि इमरजेंसी के टाइम उस बेल्ट पे प्लेन लैंड कर सके। जब मैं कार से ट्रैवल किया था तब मैंने भी उस बेल्ट को पार किया था, जो कि एकदम प्लेन के रनवे की तरह होता है। अभी अपकमिंग एक्सप्रेसवे की बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी आने वाला है, और गोरखपुर एक्सप्रेसवे भी आने वाला है, एंड फाइनली सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। बट ओवरऑल एक्सप्रेसवे की बात करें तो आपको पता है एक एक्सप्रेसवे है जिसका पूरा इंडिया वेट कर रहा है बेसब्री से, और वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 1380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसके चलते दिल्ली से मुंबई जाने की जो टाइम है 24 घंटे, अभी की एग्जिस्टिंग टाइम, वो 24 घंटे से 12 घंटे में बदल जाएगी। तो ये था कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने कंट्री के डेवलपमेंट और एक्सप्रेसवेज के बारे में। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा नहीं दबाया तो दबा जरूर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।